में जवाहरलाल नेहरू कॉमा कांडला, कांडला वो है क्या है गुजरात में, कांडला को अब नाम है दीनदयाल से नाम जाता, पंडित दीनदयाल के नाम से नाम जाता। मर्मुगाओ, मर्मुगाओ कहाँ पे है, मर्मुगाओ। अच्छा गोवा कब भारत में, गोवा का विलय भारत में कब हुआ था और गोवा पर आक्रमण कब्जा किसका था, गोवा पर पुर्तगालीज का था, और कब भारत में मिला लिया गया गोवा को, सर 1961। 1961 और सिक्किम को कब मिलाया गया था, सिक्किम सर ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, एक तरह नॉर्मल चीजें। सिक्किम को भारत को किसकी साथ मिलाया गया था ना, इंदिरा गांधी को उसका काफी बड़ा रोल माना जाता था। कांडला दीनदयाल मर्मुगाओ, न्यू मंगलोर और कोचीन, न्यू मंगलोर और कोचीन, न्यू मंगलोर, मंगलोर और कोचीन, कोचीन कहाँ का है, कोचीन केरल। न्यू मंगलोर और कोचीन पश्चिमी घाट के बड़े बंदरगाह। पूर्वी स्थित, अगला पॉइंट, पूर्वी तट पर स्थित, संख्या कम हो रही धीरे धीरे, क्या बात है, गर्मी का पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, जब तक पसीने नहीं बहाओगे तब वो कैसे, एग्जाम चल रहा है। अच्छा किस चीज का, सर बीएससी वालों के भी मिड टर्म वगैरह लगे हुए हैं, हम लोगों के भी खत्म हो गए, ये पॉइंट ये वैलिड है, कर सकते हैं। पूर्वी तट पर स्थित बड़े बंदरगाहों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पारादीप है आगे लिखी गया उसमें कोलकाता, कौमा विशाखापट्टनम, कौमा चेन्नई और ऊपी कोरिंग में है, और ऊपी कोरिंग में, और ऊपी कोरिंग है। विशाखापट्टनम ने किस भारतीय क्रिकेटर ने 183 रन की पारी खेली थी, अगर मैच देखते हो मुझे जगहों के नाम मैच से याद है कि भारत के मैच कहाँ कहाँ होते हैं, विशाखापट्टनम में धोनी ने 183 की पारी खेली थी, तो ऐसे से करके आपको मैच भी देखना बहुत जरूरी चीज है, आपको स्पोर्ट्स की सारी चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है स्पोर्ट्स की तरफ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन जीते, इस बार कौन आईपीएल जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स, और वो रनर अप कौन रहा, कौन, गुजरात, ये होता है। चलो आगे लिखो, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बाद कौमा एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। पूर्ण विराम, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब, हाँ शुल्क नहीं पता, सरकार तमाम तरीके की रियायतें देती है, उसमें टैक्सेशन पॉलिसी बहुत लिबरल, बहुत कॉमनल होती है, कभी कभी नहीं होती। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि ये सारा चीजें भारत सरकार पैसे इसलिए खर्चा करती है, वो चाहती है जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमको पता है कि कोई हैंडमेड होगा या कोई प्रोडक्ट बनेगा उसका दाम हम कम से कम हो जाए, कम से कम दाम में अगर हम विदेशों में सामान भेजेंगे तो हमको ज्यादा फल मिलेगा, और वो सारी फैसिलिटीज आपको किसानों को भी सिंचाई की फैसिलिटीज सस्ते में, हर एक चीज जो आपको सब्सिडी के रूप में देती है, वो उसके मेन पर्पज यही है कि कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम से कम रहे और हम इसको विदेशी वस्तुओं के कंपेरिजन में इतना कंपटीशन करा पाए, क्योंकि पूरे बाजार में कट फ्रूट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता है इस समय मार्केट में, हर एक प्रोडक्ट की गला काट कंपटीशन, एक जो प्रोडक्ट बना रहा है वो नहीं चाहता कि उसका कंपटीटर मार्केट में टिके, इसलिए जब कोका कोला आया, पेप्सी आया और तमाम सेवन अप आ गया, तो सब अपने अपने प्रचार में व्यस्त रहते हैं,
अगर आपको थम्स अप पीना है क्या बोलते हैं, कुतुब खानी करते हैं। सलमान खान देख रहे हो कि वो खरीद दुकान पर खरीदने नहीं जाता, वो प्लेन पर जाके थम्स अप को पी रहा है, या अक्षय कुमार 4 किलोमीटर दौड़ के जाके थम्स अप पी रहा है। वो इसलिए दिखा रहे ताकि आप उसको खरीदने के लिए प्रस्तुत। मैं आपको बोलूँ सबसे सुरक्षित पानी कौन, तो आप बोलोगे केंटा होगा, क्योंकि हेमा मालिनी जी ने उसको मचान किया, तो जाहिर सी बात वो अच्छा हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके मन में बार बार एक ही चित्र आपको क्यों दिखाया जाता है, आप सोचिए कि प्रचार एक ही प्रचार आपको बार बार क्यों दिखाया जाता है, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मैं बोल दूं दाने दाने केसर कदम, आप तुरंत बोलो हिमालय आए, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ गया है। और प्रचार का जमाना ही ऐसा है कि आने वाले समय में हमको आपको लगता होगा कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, नहीं, आपको खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। आपके जो पूर्वज हो गए वो केवल जरूरत की वस्तुएं खरीदते थे, और अगर आप कभी कुछ वस्तुएं लेके घर में जाओ तो क्या बोलेंगे, क्या फालतू खरीद लाए। आजकल आप शॉपिंग ऑनलाइन इसलिए भी कर लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हैवी डिस्काउंट है तो आप उसको खरीद लो। ये प्रचार का असर होता है, और आपके दिमाग में इतना असर किया जाता है कि बच्चों को अगर आपने जॉनसन बेबी से नहीं नहलवाया तो बच्चा दिक्कत हो सकती है। लाल तेल से उसकी मालिश हड्डियों में नहीं किया तो हो सकता है बच्चे को मालिश को प्रॉब्लम हड्डियों में समस्या हो जाती है, जबकि पूरी जनरेशन हमारी सरसों को तेल से ही मालिश कर करके हम यहाँ तक बड़े हो गए। तो आज के जमाने में जो ये कंज्यूमरिस्टिक उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये हमारे दिमाग में बहुत तेजी से आ रही है। अगला पॉइंट लिखिए, उसी में लिखिए, उसी में, यह उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला हेडिंग, अगला पॉइंट लिखिए, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक ही लाइन में इसको कर सकते थे, मुंबई भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है, ऐसे लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, ये कुछ हेडिंग है, कुछ पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज है आपको। नावा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदर। नावा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, मैंने नावा सेवा के बारे में एक बात आपको बहुत पहले बताई थी, अगर आपको याद हो कुछ टन अराउंड ऐसे करके कुछ आपको बताया था, अभी इसको बताता हूँ याद करा। मुंबई नावा सेवा भारत बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था, ये अपना प्यारा भारत महान, ये इधर अफ्रीका, एक प्लेन जब यहां से यहां जाता है दूसरा, तो जो उसकी समय है कि वो एक जगह पहुंचा, माना कि ये हमारे यहाँ पे कालीकट में पहुंचा, और कितने समय में तुरंत वापसी कर लेता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड का। नावा सेवा की जो टर्न अराउंड का, टर्न अराउंड मतलब ये होता है कि सामान लेके पहुंचा, भारत में जो औसत है वो 56 घंटे, ये मतलब एक तक आप उससे पहुंच गए हैं, बंदरगाह में पहुंच गए, सामान उतारने में, उसको पूरा चेक कराने में, अगला सामान भरने में, उसकी सारी पेपर फॉर्मेलिटीज करने में, छोड़ने में कम से कम 56 घंटे का समय लगता है, मतलब 2 दिन और 8 घंटे का। तो भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस कॉस्ट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न अराउंड कॉस्ट, कि हम इस कॉस्ट को कम करें, इस समय को कम करें। तो जो नावा सेवा है उसकी सत्य के 1.7 दिन में ही ये टर्न अराउंड कॉस्ट, 1.7 दिन में ही ये अपने यहाँ सामान इसका आता है, और ये वापस शिफ्ट होकर सारी पेपर फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट करके वापस चला जाता है। तो जितना ज्यादा टर्न अराउंड कॉस्ट आपकी कम होगी उतना ज्यादा वह व्यापार कर पाए, क्योंकि बाकी जो आ रहा है वो सब लाइन में खड़े हैं, भाई हमारे पास तो बंदरगाह का साइज इतना भी बड़ा हो, लेकिन उतना अथॉरिटीज होनी चाहिए, उतना सुविधाएं होनी चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, तब एक को छोड़ेंगे तो दूसरा एंट्री कर लेंगे। तो ये टर्न अराउंड कॉस्ट नावा सेवा की सबसे कम। अगला पॉइंट देखिए, कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल स्थित है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह जो केरल में स्थित है।
यह बंदरगाह लैगून पर स्थित है। लैगून क्या होता है कोई जानता है? मुझे बताओ लैगून क्या होता है। लैगून पर स्थित है अगला पॉइंट उसी लिखो लिखवा दो सारा दूसरा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड। ये सारे वन लाइनर कभी कभी पीसीएस में आपको मैच करने के लिए दे देते हैं कि मैच द फॉलोइंग। आप लोगों में से किसी ने नेट का पेपर दिया था? किसी ने दिया तब रिजल्ट आया नेट का? दिया था आपने? कैसा रहा पेपर? सर मेरा सेकंड पेपर तो बहुत अच्छा गया। हाँ एक इंटरेस्ट पेपर है। कितने नंबर आए था? सर हमने भी चेक नहीं किया, देखने के लिए जो आंसर शीट आई थी हमने जब उसको मैच किया तो मेरे फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा कितने क्वेश्चन सही कितने? सर 50 में मेरे लगभग 20 के आसपास ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कटा तो बहुत हाई जाती है सर, बहुत हाई कटा हुई है और मेरा सेकंड पेपर अच्छा हुआ है। तो पहले पेपर फिर और मेहनत करिए, कम से कम पेपर में आपको 32 से 34 क्वेश्चन सही है। मेरे 20 के आसपास है, उसमें मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मुझे सेकंड पेपर के लिए इसको दे रही थी। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ काफी डाउन गई है इस बार। पहली बार हुआ है कि 62% हो रहा है ज्यादा, नहीं तो हमेशा 70, 67, 68, 72, 74 रहता है। चलो और अगला पॉइंट लिखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह। देश के बंदरगाहों का अगला पॉइंट, देश के बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। देश के बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। जबकि छोटे बंदरगाह देश के समवर्ती सूची में शामिल है। जबकि छोटे बंदरगाह देश के समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन का कार्य राज्य सरकारें करती हैं, जिसके प्रबंधन का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। ये समवर्ती सूची क्या होती है? देश के बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाहों बंदरगाह देश के समवर्ती सूची में शामिल है, जिनके प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार करती है। एक समवर्ती सूची होती है, क्या होता है समवर्ती सूची? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे समवर्ती सूची का कोई एग्जांपल बताओ। शिक्षा हो सकती है और क्या नापतौल समवर्ती में है। नापतौल नहीं पता। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ एरिया होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज भी हो सकती है, केंद्र और राज्य दोनों काम करें, और कुछ ऐसे एरिया भी हो सकते हैं जहां पर किसी ने कानून ना बनाया, ना केंद्र ने बनाया ना राज्य ने बनाया, तो ऐसी स्थिति में केंद्र ही उसमें उत्तरदायी होगा। केंद्र संसद में उसके लिए बिल लाकर कानून बना सकता है, माना कुछ हिस्से सब छूट गया है, राज्य सरकार की लिस्ट से केंद्र सरकार की लिस्ट से समवर्ती से छूट गया है, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो केंद्र सरकार के जिम्मे होगा, वो संसद के माध्यम से कानून बना सकते। अब अगला लिखिए एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा परिक्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्र, इसमें भी काफी लिखना है आपको। एनर्जी सेक्टर ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को अगर डिफाइन करें, किसी को किसी काम को काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यही ना आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, काम करने की क्षमता को ऊर्जा, हर एक चीज के लिए आपको ऊर्जा चाहिए।
मैं बोल पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं होती तो मैं हॉस्पिटल। अब वो कहते हैं ना डॉक्टर कि आपका बीपी लो है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, तो आपको क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा को मेंटेन किया जा सके। लेकिन स्रोतों के आधार पर ऊर्जा पांच प्रकार की होती है। हम इसमें जिस ऊर्जा की बात करेंगे वो होगी जल ऊर्जा, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गैस तथा पेट्रोल आधारित ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। स्रोतों के आधार पर ऊर्जा पांच प्रकार की होती है। पहला, स्रोतों के आधार पर ऊर्जा पांच प्रकार की होती है। पहला, जल ऊर्जा स्रोत। पहला डाल के लिखे जल ऊर्जा स्रोत। अब इसमें लिखेंगे तमाम इसे सब हेडिंग बना के। भारत ने प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में की गई। जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में की गई, दार्जिलिंग में की गई। दार्जिलिंग किस लिए फेमस है जरा मुझे भी बताओगे? किसके लिए? चाय के बागानों के लिए ना। आपको पता है जो आप चाय पीते हैं वो सबसे लो घटिया क्वालिटी की चाय पीते हैं हम सब। जो टॉप क्लासिक क्लासिक चाय होती है वो सारी के सारी एक्सपोर्ट की जाती है। हम लोग एक तरीके से खुरचन पीते, खुरचन समझते हो, जो बच जाता है सब इस्तेमाल करने के बाद जो बच गया वो हम लोग पीते हैं। तो अपने ही देश में शायद हम लोग, क्योंकि जो चाय कभी कभी कुछ चाय ऐसी होती जो लाख लाख रुपये किलो आती है वो तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। तो जो मेन में जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जाता है और जो बसता है वो हम लोग कर रहे हैं। इसका तमाम नाम राजरानी, मोहनी चाय, वो सब अगर आप उसको कभी खोल के देखेंगे तो आपको उसमें चूड़ा दिखेगा, मैक्सिमम उसमें चूड़ा होता है और वो किसी काम के नहीं होते, सबसे बेस्ट मिले। बाकी थोड़ा बहुत ग्रुप ब्रांड, जो ग्रुप बॉन्ड है, टाटा टी है, कहने को ठीक है बस उसकी क्वालिटी में नहीं होती और हम लोग बकायदा चाय की चुस्कियाँ ले लेते। देखो भारत की इकोनॉमी चाय में बहुत चल रही है क्योंकि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो आप लोग ये बस सोचो चाय वाला कोई दिक्कत की बात, अभी बेचा है नहीं बेचा ये मैं नहीं जानता। जो अब मान लेते हैं, उन्होंने कहा तो मान लेते हैं। देखिए उसके बाद आप लोगों ने कोई किसी से चाय बगान देखे हैं? देखे हैं चाय बगान? जो चाय बगान होती है टीवी तो मैंने भी देखा है। हाँ अब गए हैं वहाँ पे, वो जो उगाई की जाती है वो कैसा मिट्टी होता है, वो ऐसे ढलानदार होता है, कैसे वो बनाई जाती है देखा है ध्यान से? वो जो बनाई जाती है वो प्लेन मिट्टी तो होती नहीं है, प्लेन समतल नहीं होता ना, पानी रुकने का दिक्कत होता है। वो जो बनाई जाती है वो थोड़ा सीढ़ी नुमा जो होता है उस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाया कभी, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं जाके कभी चाय वाय के बगान देखूं। लेकिन ये है कि उसमें जो जो चाय उगती है तो उसमें भी बहुत क्वालिटी होती है। जो ये पत्तियां होगी जो हल्का कोकले निकलती नहीं, नहीं कोई नया पेड़ निकला, पौधा निकला, तो हर का अपनी क्वालिटी होती है। जो हम लोग पीते वो बड़ी बड़ी पत्ती होती है, छोटी छोटी पत्तियों से चाय बनती है, उसी क्वालिटी को अपनी बहुत सारे के सारे। लेकिन 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कभी भी किसी नई जगह पे जाइए तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि केवल घूम टहल के चले आइए, कभी भी दुनिया में कहीं जाइए या अपने देश में कहीं घूमने जाइए तो बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जो विविधता आपके देश में है वो सारे देशों में है नहीं। कभी मौका मिले तो इस विविधता को जरूर पहचाना करिए। हाँ ये चीजें चलो, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कोष्टक में कर्नाटक में जल विद्युत निगम स्थापित हुआ। पूर्ण विराम,
1975 में जल विद्युत विकास के लिए 1975 में जल विद्युत विकास के लिए देश में 1975 की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की स्थापना की गई। कई दिसंबर 2022 तक अगला पॉइंट 31 दिसंबर 2022 तक देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता 46,850 मेगावाट थी। इकतीस दिसंबर 2022 तक देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता 46,850 मेगावाट थी। 46,850 मेगावाट थी। MW से आप उसको दिखाएंगे। GW लिखा है तो गीगावाट, कॉमा जो देश में कुल विद्युत क्षमता का 11.4% थी। देश में कुल विद्युत क्षमता का 11.4% थी। अब कुछ राज्यों में जो परियोजनाएं चल रही हैं राज्यों में वो लिख लीजिए। आप पहले लिख लीजिए केरल, एक नंबर डाल दीजिए केरल। केरल में है इडुक्की सबरीगिरी, 4-5 स्टेट लिख लीजिए जो मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट है या कभी एग्जामिनेशन में आ जाए। पहला है केरल में इडुक्की सबरीगिरी, इडुक्की बोलते हैं, इडुक्की सबरीगिरी। कभी कभी PCS में मैच करने को दे देता है कि मैच करिए इसको, मैच आप द फॉलोइंग करके, तो आप उसको पता होना चाहिए। हालांकि पढ़ेंगे आप सारे स्टेट का, लेकिन मुझे लगा जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वो मैं लिखा दूंगा। इडुक्की और सबरीगिरी तमिलनाडु में लिखी है, पेरियार, कुंडा और मैटूर। तमिलनाडु में कुंडा, मैटूर और पेरियार। तमिलनाडु में पेरियार, कुंडा, मैटूर, कॉमा डाल के लिखिएगा तुम, कुंडा और मैटूर। गुजरात में लिखिए उकाई और कॉमा नर्मदा घाटी, उकाई नर्मदा घाटी, कॉमा नर्मदा घाटी, उकाई कॉमा नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश में लिखिए गांधी सागर, तवा, गांधी सागर कॉमा तवा, इंदिरा सागर कॉमा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर जम्मू कश्मीर में लिख लीजिए सलाल, सलाल बगलिहार सेवा, सलाल बगलिहार सेवा, उरी, उरी, उरी का नाम सुना है, इसलिए फेमस है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आपने वो भी देखी हो। जो करंट आप ऐसे तैयार करिए कि देश में किसी जगह कुछ खास घटनाएं घटी तो वहां की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी आप प्रिपरेशन करते हैं तो खास तौर पर देश में जो जैसे इस समय चल रहा है मणिपुर का केस चल रहा है, तो मणिपुर के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति वहां रहती है, कौन सी सबसे अधिक है, कौन पहाड़ों में निवास करती है, वहां का मैटर आपको पता ही नहीं। मैटर क्या है वहां का, मणिपुर का, दो समुदायों के बीच में संघर्ष की कहानी चल रही है। जो लोग प्लेन पर रहते हैं उनके पास पहाड़ी का एक्सेस नहीं,
वो चाहते हैं पहाड़ी का एक्सेस मिल, और जो पहाड़ी पर रहते हैं वो प्लेन को, प्लेन मतलब जो जमीन वाले भाग हैं उनको एक्सेस नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कल को ये हमारे आ गए तो हमारा सबको छीन लेंगे, भाई डर तो सबका रहता है, तो वो चाहते हैं कि इसका एक्सेस ना मिले। दोनों के बीच में यही संघर्ष की कहानी, और दोनों एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए बहुत ही बेशर्मी के हद पे उतर है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जैसे कि आपका भारत का कोई भी नागरिक, आपको पता है आप पहाड़ों की जमीन नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको वहां का नागरिक होना चाहिए। आप उत्तराखंड में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, नैनीताल में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, अगर आप प्लेन के होंगे तभी खरीद पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपने ऐसा खरीद से लेकर के कर लिया कानून, जो आपने कैसे कर लिया, जो संबंधित उसके अधिकारी होंगे सारे के सारे सस्पेंड हो जाए, तो हम आप केवल घूमने जा सकते, वहां की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो उनका जो अस्तित्व बचाया जा सके। हर आदमी चाहता है, जो पैसे वाला इंसान क्या चाहता है कि भाई नैनीताल हमारा भी रिजॉर्ट हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, गर्मी छुट्टियां वहीं बिताएं। तो ऐसे अगर करेंगे सारे पहाड़ तो कट, अगर अगर ऐसा हो जाए तो सारे के सारे पहाड़ हम तो काट डालेंगे। आप उनमें से काफी लोग नैनीताल गए हो, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, इतना ज्यादा वहां पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अब आप सोचिए कि पहाड़ काट कट के बनाए जा रहे। मैं गया था घूमने वैसे, लेकिन चूंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ तो मैंने कहा नहीं ये गलत काम कर, हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, लेकिन वो बहुत तरीके से पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आगे गिर जाए आपके सर पे तो आपको बचना मुश्किल है, क्योंकि उतने स्पीड में आएगा वो, आपको बचना मुश्किल है। जितनी आपने जोशीमठ का नाम सुना होगा, जोशीमठ में दरार आ गई है, आपने नीचे नीचे बहुत सारी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की पाइपलाइन भी है, तो दरार तो आनी है ना भाई, पहाड़ इतने मजबूत थोड़ी है हमारे, क्योंकि पेड़ रहते थे तो मिट्टी को बांधे रहे, पेड़ क्या कहता है पहाड़ों को, मिट्टी को बांधे रखता है। अब आप पहले पेड़ काटेंगे तो मिट्टी का बहाव तो नहीं थोड़ी रोक पाएगा पानी को, रास्ता धीरे धीरे करके वो धंसते करते। दरअसल हम सब, मेरा अपना ऐसा सोचना है कि टीचर भी हम, प्रोफेसर भी आपको गलत ही पढ़ाते हैं। आपको कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं में रहिए, पुराने लोगों जो करके गए फॉलो करिए, पेड़ पौधे लगाइए, लेकिन अंदर के अंदर चाहते हैं विकास हो जाए, और विकास किसी भी कीमत पे हो जाए, तो इन दोनों का बैलेंस जो है वो बड़ा मुश्किल है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि विकास हो जाए भैया, सड़कें सब कुछ चमचमा जाए, पेड़ वेड़ काट के जल्दी अच्छे अच्छे मकान बनाओ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, तो पर्यावरण कैसे बचे। हम सबने अपने जीवन में शायद 3 पेड़ लगाए हैं, जितने पेड़ आप देख रहे हैं आपके आने पर पूर्वजों ने लगाए, या हमारे पूर्वज, आपके नहीं हमारे पूर्वजों, और हमने कोई भी पेड़ नहीं लगाया। एक पेड़ तैयार होने में 10-15-20 साल लगते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को अगर आपको मीन्स लिखने का मौका मिलेगा तो आप जब पर्यावरण, जब इन्वायरमेंट का पेपर टैकल करेंगे और उसमें बाकायदा आपसे पूछा जाएगा आपने, तो ये सब चीज़ें थोड़ा बड़ा कंसर्न है। बाकी मैं इकोनॉमिक से फोकस करता हूँ, वही काम सर। इसी तरह मध्य निषेध दिवस मनाते हैं, मध्य निषेध दिवस मनाते हैं और जगह जगह दारू पीते, अबुलवादी कैसे होगा एक टीवी का सीन चल रहा है, हम सब बैठे हुए हैं, एक शेर खरगोश के पीछे दौड़ रहा है और बहुत तेजी से उसको दौड़ रहा है, खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और आप में से मुझे लगता है 98% लोग ये सोचेंगे कि खरगोश कैसे भी करके बच जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यही सोचेंगे खरगोश जान बच जाए। मैं 2% में आपको रखता हूं, आप नहीं चाहती बच जाए खरगोश, वो नहीं मैं हिला रही, मैं नहीं चाहती बच्चे, आप सर हिलाएंगे जरूर, और जब अब आप देखेंगे शेर लगातार पीछा कर रहा है, खरगोश दौड़ अपनी जान बचाने, और थोड़ी देर में खरगोश को शेर पकड़ लेता है, और इस सीन का लुत्फ हम मुर्गा चबाते हुए कर रहे हैं, टांग हमारे मुंह में है और हम ये दुआ कर रहे हैं खरगोश की जान बच जाए, और हमारे हाथ में चिकन का पीस। तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो कुछ ऐसे ही है, हम चाह रहे खरगोश की जान बच जाए लेकिन हमारे हाथ में चिकन का पीस चल रहा है, हम टीवी के सामने बैठ के देख रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी, अब समझिएगा मेरा कहने का कंसर्न क्या है, कि आप खरगोश की जान आपको प्यारी है लेकिन जो हाथ में चिकन का पीस है वो आपके हाथ से नहीं छूट रहा है, तो ऐसे ही हम सब विकास चाहते हैं। तो अगला लिखा दें, चलो
विद्युत उत्पादन क्षमता ये लीजिए कि कौन सी तापी विद्युत से कितना प्रोडक्शन होता है, ये लीजिए आपको हेडिंग डालना है विद्युत उत्पादन की क्षमता, जिससे पहला है तापी ऊर्जा से कितना मिलता परसेंटेज आप लिख लीजिए। बेसिकली मैं परसेंटेज लिखाना चाह रहा हूँ कि तापी ऊर्जा से कितना परसेंटेज बिजली उत्पादित होते जल से, नाभिकीय से और रिन्यूएबल नवीकरणीय से। तो पहला लिखिए तापी ऊर्जा से, लिखाया था मैंने तभी छोड़ दो, अगर लिखाया तो छोड़ दो, लिखाया तो छोड़ दो। दरअसल जब मैंने आपको, मुझे पांच क्लास अलॉट थी तो मैंने इस तरीके से उसको सेट किया था कि पांच क्लास में जितना मैक्सिमम लिखा सकता हूँ वो लिखा दूँ। अब आप मुझे दो क्लासेस एक्स्ट्रा मिल गई तो मुझे लगा कि उसको मैं और बढ़ा के लिखा दूँ, क्योंकि लिखाया होगा देखो, अगर लिखाया तो कोई बात नहीं, वैसे सारा तो नहीं लिखना था, लिखा देता हूँ। तो मुझे लगा दो क्लास और मिल गई जिसको और लिखा देते। देखो हम लोग हर चीज एडजस्ट करते हैं, एक महीने का कोर्स, एक महीना 30 दिन का कोर्स मैं आपको 7 दिन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे जितना समय मिलेगा उसी हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। तो लिखे तापी ऊर्जा का तापी ऊर्जा का लिखे 57.2, ऐसे इधर डाल लीजिए एक करके और इधर लिखे 57.5%, 57.5%। जल विद्युत का लिखिए, जल से कितना विद्युत प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, जल विद्युत का लिखिए 11.4%। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको सेट करने के लिए जाता है कि विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार इसको सही क्रम में सेट करिए, अरेंज करिए, ऐसा करके आता है। तीसरा है नाभिकीय विद्युत, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, 1.7%। नाभिकी का सब विद्युत उत्पादन में नाभिकी का क्षेत्र अभी प्रतिशत सबसे कम है। अगला लिखिए नवीकरणीय विद्युत स्रोत, नवीकरणीय विद्युत स्रोत, नवीकरणीय क्या मतलब होता है, नवीकरणीय, नवीकरणीय स्रोत में है 29.4%। ये जो सारा डेटा मैंने लिया है ये मैंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट से उठाया हुआ है सारा डेटा, और ये डेटा केवल 31 दिसंबर 2022 तक की बात करता है, ठीक है। क्या नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर जो संयंत्रों से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है परमाणु ऊर्जा, इसको आप परसेंटेज है इसका बेटा 1.7%, सबसे कम इसी का। और तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेजर राज्य कौन से है इसमें लिख लीजिए, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पहले दूसरे तीसरे रेंज में है, पहला पंजाब, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश। ये मैं जल ऊर्जा वाला बात कर रहा हूं, जल ऊर्जा, ये जो मैंने पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश लिखा है, ये जल ऊर्जा की बात किया था, लिख लीजिएगा जल ऊर्जा। और विश्व में लिख लीजिए, विश्व में कौन से प्रसंग की धरती है, पहले मैं चीन, ब्राजील, कनाडा, जल ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, जल ऊर्जा पहला आपको हेडिंग मिलता है, चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत का आसान छतवा है जल ऊर्जा के मामले, प्रोडक्शन विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए, चीन, ब्राजील, कनाडा और भारत का आसान छतवा। उत्तर प्रदेश में कौन है जरा आप मुझे बताइए, जल ऊर्जा के संयंत्र कौन से मानते हैं, किसी को बताया है, उत्तर प्रदेश में है रिहंद, चिल्ला और माता टीला, आपने नाम सुना भी होगा, रिहंद, चिल्ला, माता टीला, फिर से बोल दूं, रिहंद, चिल्ला, माता टीला, ओडिशा में है हीराकुंड, या हीराकुंड लिख लो, हीराकुंड लिखा होगा। उत्तराखंड में, मैंने सारा स्टेट नहीं लिखा है, मैंने कुछ स्टेट लिखा है, आप पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि अब एक एक स्टेट लिखाने लगूंगा तो हो जाएगा इसलिए पूरा। उत्तराखंड में लिखे टनकपुर, रामगंगा, टनकपुर, 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 रामगंगा, टेहरी। अगला लिखिए तापी विद्युत, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी,
अगला लिखिए तापीय विद्युत। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिखिए देश में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2022 तक 31 दिसंबर 2022 तक 235,809 करीब 57.5% मेगावाट 235,809 मेगावाट थी देश में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2022 तक 235,809 मेगावाट थी। अगला पॉइंट, ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए सात नवंबर 1975 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको बोलते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसको आप बोलते हैं NTPC, NTPC का पेपर भी आता है कई, आप लोग ये होंगे पढ़े। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना नई दिल्ली में की गई वर्तमान में NTPC देश की सबसे बड़ी तापीय उत्पादक कंपनी है। NTPC कौन सी सरकारी कंपनी है, निजी कंपनी? सरकारी है। NTPC, ONGC, भेल, सेल। अब कुछ परीक्षा के पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि किस राज्य में कौन से तापीय केंद्र है। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन है बताइए? उत्तर प्रदेश में है ओबरा, सोनभद्र, और रिहंद है सिगरौली, और रैया, ये मेन। देखिए उत्तर प्रदेश में लिखिए ओबरा, रिहंद, सिगरौली और रैया। ओबरा, रिहंद, सिंगरौली और रैया। एक बार मैं ओबरा गया था, मेरे फूफा जी रहते थे, बड़ा सस्ता सामान वहाँ, लकड़ी वकड़ी का सामान बहुत अच्छा है, आप कुछ भी लीजिए बहुत सस्ते हैं। तो हमारे घर से कोई जाता था ना तो सब सामान ही ले आने जाता था, कि फूफा जी के यहाँ चलोगे वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। रिपीट कर दूँ, ओबरा, रिहंद, सिंगरौली और रैया। मध्य प्रदेश में लिखिए विंध्याचल, गदरवारा और खरगोन। देखिए पढ़ना आपको सब है, सब पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश से पूछे, वो किसी भी स्टेट से पूछ सकता है। और ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं मैच था फॉलोइंग करके आते हैं, चार चार दे देगा और बोलिए मिलाइए। तो मैं कुछ जो मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट में लिखा दूंगा, बाकी पढ़ेंगे आप सारा कुछ, क्योंकि ये लिखाना होगा तो बहुत समय लग जाएगा। बिहार में लिखिए गदरवार और खरगोन, उसका था ये एमपी का, हाँ बिहार का लिखिए नवीनगर, कांटी, बरौनी, कहलगांव। नवीनगर, कांटी, बरौनी, कहलगांव।
फिर से बोलो, कहलगाम, कहलगाम, कहलगाम। आंध्र प्रदेश में लिखिए रामागुंडम, आंध्र प्रदेश एपी के लिए लिखिए रामागुंडम, नेल्लोर और सिंहाद्री, नेल्लोर और सिंहाद्री, नेहोर, नेल्लोर, सिंहाद्री। आप जैसी मूवी देखी है उसमें देखो ना, नरसिम्हा मूवी देखी है, मैं हूँ सिम्हा, मैं हूँ नरसिम्हा, जो एक है ना पूछो वाला बढ़िया एक्टर, साउथ की मूवी आप लोग नहीं देखते हैं ऐसे आदमी, भारत में होकर साउथ का मूवी ना देखे, मैं तो बहुत देखता हूँ, अब तो कम हो गया है मेरा। प्रिपरेशन के दौरान जब आप कभी बोर होते हैं, जब कभी होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कभी कभी इच्छा नहीं होती, किताब उठाने की इच्छा नहीं होती, उस समय साउथ की मूवी आपको बहुत भरपूर साथ देती है, खाना खाते समय, उसके समय, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप कुछ भी देखिए, आप बहुत लोग कपिल शर्मा देखते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके शरीर को भी इंटरटेनमेंट चाहिए, आपका शरीर मशीन नहीं, चार पाँच घंटे पढ़ने के बाद ये वक्त बंद करो, तो बेहतर यही कि सोते सोते कभी देखना। छत्तीसगढ़ में लिखिए सीजी छत्तीसगढ़, कोरबा और लारा, कोरबा, कोरबा और लारा। मेरे एक सीनियर हैं अंतरिक्ष कुमार का नाम है, इस साल वो डीएसपी हुए हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और कोरबा में पोस्टेड हैं, उन्होंने बीटेक करी और कोरबा में अच्छी खासे उनकी पैकेज थी, करीब 19 लाख का पैकेज था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझसे मिल गए, कोरबा और लारा, ब्रायन लारा वाला लारा, तो मुझसे मिल गए, तो प्रिपरेशन के दौरान इंटरव्यू दे दिया था, मिल गए यूनिवर्सिटी में, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया टैक्स छोड़ के आ रहे हैं 18 लाख का पैकेज, उससे तो कम ही है, क्या बनेंगे पीसी सोशल बन, तो बोलेगा तू नहीं समझेगा, तो मैं कहा मैं तो मैंने मन में समझ तो मैं सब कुछ कहा, लेकिन ये लोग हाई पैकेजेस की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, 38 लाख, 40 लाख, 56 लाख लोग पैकेज छोड़ के और यूपीएससी में ना वो कर, क्योंकि वहां का जॉब क्या है 9 to 5 है, कभी के 9 से 9 है, 12 घंटे, 14 घंटे, ऐसे नो डाउट उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आदमी को थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा सा रुतबा चाहिए सोसाइटी, सब लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन कभी लालच का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हम बन लेंगे तो ये कर देंगे, क्या बोलते हैं इतना करप्शन करेंगे। अभी जस्ट एक पीसीएस ऑफिसर है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कल परसों की मैंने जो न्यूज़ पढ़ी, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, पहली पोस्टिंग थी, पहला दिन था, 10,000 की घूस लेते हुए पकड़े गए तुरंत से, लेडीज, हाँ लेडीज, मैंने जो है पढ़े सर, आईएएस नाम अनुभव नेता बन जाए, पटवारी अधिकारी आपको पकड़ेगा, कभी करप्शन आपको ना पकड़े, अगर आप करते हैं पकड़े जाए, उसमें ये होता है कि आपके साथ जो सबूत होता है उसको अटैच करना पड़ता है, अब जब सबूत ही नहीं, सबूत दिखाओ, सबूत ही नहीं लेकिन क्या अटैच करोगे, नहीं नहीं अरे वो सब पचा गया होगा, वो नहीं वो कटोरा के सामने खड़ा था, ठीक है दिखा रहा है। देखिए अगला लिखिए परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, अगला लिखिए परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। वर्तमान नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु चौथा प्रमुख स्रोत है। पहला कौन कौन सा है? पहला है तापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत के बाद इसका चौथा स्रोत है।
चौथा प्रमुख स्रोत है। अगला पॉइंट फिर से बोलूं, भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसको कहा जाता है? भाभा, होमगीर जहांगीर भाभा। उसके बारे में भी आपको कहानी सुनाता हूँ, उनकी कहानी सुनाता हूँ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर सुनाऊंगा, कहानियां याद रहेंगी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में CIA मोसाद कितनी एजेंसी में भारत के साइंटिस्ट को ऐसे मौत दी है उनको पता ही नहीं चला। होमगीर जहांगीर भाभा की कहानी में आपको सुनो, पहले ये लिख लो तो जरूरी है। भारत ने परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमगीर जे भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। भारत ने परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमगीर जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। पानी की कमी ले गई। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, मैंने जो पहले लिखा वो आयोग था, मैंने विभाग अब लिखा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। पहले आयोग बना, आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन से फिर आपका आयोग वो बन गया, विभाग बन गया। जैसे कि आपका ये कॉलेज सीसीएम कॉलेज बना होगा तो पहले बाबू मोहन लाल वर्मा जी पहले सपना देखे। आपको यहाँ की किस कॉलेज की हिस्ट्री पता है कि नहीं? पहले ये शुगर मिल हुआ करती थी, तो शुगर मिल हुआ सब लोग मिलकर चलाते थे, जो मुझे मालूम पड़ी मैंने नया है। तो उसमें से कुछ लोगों को लगा आपस में ही कोर्ट में कि अगर इस शुगर मिल की जगह इसको हम लोग आपस में ही बांट लें जमीन को, तो बढ़िया सेंटर में जमीन है और बढ़िया बड़ा बड़ा जमीन हो जाएगा। लोग बाबू मोहन लाल वर्मा को लगा, वो इसके मिल के वो रहे होंगे देखिए सरदार बोलो या जो बोलते हैं या संघ के मेन लीडर रहे होंगे, उनको लगा कि अभी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ठीक चल रहा है मामला, जहाँ कहीं अगर मैं यहाँ नहीं रहा ये सब आपस में मार कर लेंगे और आपस में जमीन बांट, क्योंकि चाह रहे थे मिल जब नहीं चल रही है तो इसको हटाओ तो यहाँ पर अपना अपना सब लोग बांट। उन्होंने क्या किया कि चुपचाप कुछ नहीं सोचा, बोला कि इस यहाँ पे कॉलेज पहले एक कॉलेज की नींव डाली, ये जो अपना सीसन कॉलेज है, उसके बाद अपनी जो बिल बना थे, बिल मतलब संपत्ति जो बनाई, वो सीधे सीधे मैनेजमेंट DM के हाथ में दे दिया कि सरकार इसका ध्यान रखे। अब सरकार के पास आ गए तो सारे के सारे जितने पोजिशन था सब बेचारे दुखी हो गए, यहाँ से जमीन निकल गई। आज भी ये सिचुएशन है कि काफी बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बोलूंगा जो यहाँ पर बड़े बड़े जो हरदोई के बड़े नाम है, वो ये चाहते हैं कि कॉलेज कैसे भी करके बंद हो जाए। एक बीच में हरदोई कॉलेज का नाम बहुत खराब होगा जो मुझे बताया गया, मुझे सच्चाई नहीं पता। अब मैं कौशाम्बी के लड़का मैं क्या जानूंगा यहाँ पे, जो मुझे बताया तो ये बताया गया कि कोशिश कर रहे थे नाम खराब किया जाए, कॉलेज चलता नहीं, कोई टीचर पे चलाता नहीं, पहले टीचर बहुत कम 4-5 टीचर करते थे, अभी तो 20-35 हो गए। तो चाह रहे थे कि कॉलेज बंद हो जाए तो इस पर अधिकार जमा लिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वैसा चेंज हुआ कि प्रिंसिपल सर आए हैं और नई बिल्डिंगें बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पैसे की बहुत कमी। तो कोशिश ही करें कि जो आपको 30 रुपये इकट्ठी होती है सबको बिल्डिंग बनवा रहे हैं कि बच्चों के लिए क्लासरूम बने, क्योंकि सारे बच्चे अगर एक बार इकट्ठा आ जाए तो सारे बच्चे बैठ नहीं सकते। ये भी जो क्लासरूम है किसने बनवाया? समाज कल्याण विभाग ने बनवाया। आइए सिर्फ जो आपकी फ्री कोचिंग चल रही है कॉलेज ने नहीं बनवाया, ये समाज कल्याण, समाज कल्याण ने ये भी कहा है कि हम आपको एक लड़कियों का और एक लड़कों का हॉस्टल देंगे, तो आप यहाँ पर हम आपके लिए बनवाएंगे, तो जो बच्चे दूर से आ रहे हैं गरीब बच्चे हैं उनको घर जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं रह के पढ़ाई कर सकते हैं, मिनिमम चार्ज देते। अगला लिखिए, क्या मैंने बोला 1954 में की गई। उसी बस ट्राम्बे में, ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई। उसी बस ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया। उसी बस ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया जिसका नाम बदल गया 1967 में, भाभा परमाणु अनुसंधान
केंद्र रखा गया, जिसको बोलते हैं आप बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसी पश्चिमे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क रखा गया। अब कुछ केंद्रों का नाम लिखिए, परमाणु केंद्रों का नाम लिखिए। एक जगह लिख दीजिए केंद्र, दूसरे में लिखिए कुल क्षमता मेगावाट के, कुछ लिख लीजिए, सारा नहीं लिखाऊंगा मैं, जो मुझे लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में पढ़ा हो तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। नरौरा, उत्तर प्रदेश में नरौरा लिखो, उत्तर प्रदेश में लिखिए नरौरा। इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। काकरा पारा है गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट, 440 मेगावाट एमडब्ल्यू, काकरा पारा गुजरात में 440 मेगावाट, हाँ 440 की भी 440। कैगा है कर्नाटक में, कैगा है कर्नाटक में, इसकी है 880 मेगावाट। कैगा है कर्नाटक में, इसकी 880 मेगावाट। कल्पक्कम है तमिलनाडु में, इसकी भी है 440 मेगावाट। कुछ लिख लो बाकी सब नहीं लिख। कल्पक्कम तमिलनाडु, इसकी है 440 मेगावाट। तमिलनाडु में एक और है कुडनकुलम, हाँ ये रशिया के सहयोग से बनाया गया था, कुडनकुलम, कुडनकुलम इसको रशिया के सहायता से बढ़ाया गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट। एक आधे लिख लीजिए रावत भाटा है राजस्थान में, जिसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। अब आपको कहानी सुना दूं, रावत भाटा है 1180 मेगावाट, कुडनकुलम की है 2000 मेगावाट। कहानी यह है कि होमी जहांगीर भाभा एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे और पंडित नेहरू उनके दोस्त थे। कहानी बहुत ध्यान सुनिएगा, कैसे कैसे चीजें आपके, कैसे कैसे इंटेलिजेंस काम करता। हो गया बच्चे, मैं फिर से बोल दूं, रावत भाटा राजस्थान में, इसका रावत भाटा का है 1180, रावत भाटा 1180 मेगावाट। और कुछ बचा है? कहानी सुना दूं मैं तो, लिखाऊं फिर, क्योंकि लिखाना बहुत, कहानी सुना दो, छोड़ी कहानी, कहानियां याद रहती है ना। पंडित नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे होमी जहांगीर भाभा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने अपना बम गिरा दिया। तो उस समय पंडित नेहरू को ये लगा कि भैया हमको भी थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना चाहिए। तो होमी जहांगीर भाभा ने यह कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर देश आत्मनिर्भर रहेगा, कभी कभी आपके पास बंदूक इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण ना करे। जब भी कभी आपको लाइसेंस इशू किया जाता है तो आप क्या लिखते हैं कि मैं ये लाइसेंस दूसरों को मारने के लिए नहीं इशू करता, ये लाइसेंस मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर आपने ये कह दिया कि मुझे दूसरों को मारना है तो आपको कभी लाइसेंस इशू नहीं होगा। आप ये कहेंगे मैं अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा करने, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर आपको लगता है सामने वाला आपकी जान ले सकता है तो आप आत्मरक्षा में अगर उसकी जान भी ले लेते हैं तो कोई बात नहीं। रशिया में ऐसा है, अगर किसी स्त्री को लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती करने को उसके लिए या उसकी जान लेने पे है, तो अगर किसी स्त्री ने उस सामने वाले आदमी को मार दिया तो क्राइम नहीं है। रूस में ऐसा नहीं है सर, ऐसे तो बहुत लोग मार देंगे, ऐसे कैसे मार, आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, ऐसे कैसे मार देंगे भैया, इंसान साधारण होते हैं। अगर आपको किसी को जान दी आ जाएगी तभी वो कुछ स्टेप उठाएगा, रिफ्लेक्स आपका तभी होगा। अगर मुझे ये लगता है कि आप मुझे मारने आ रहे तभी मेरा हाथ उठेगा, ऐसा नहीं कि मैं घुसता चला जाऊंगा सबको मारता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये लगे कि मुझको ये बचाने वाला व्यक्ति मारने आ रहा है तो आप अपनी जान बचाने की, या फिर आप ये सोचेंगे मुझे या तो ये बच जाएगा तो मैं बचा, तब आप रिफ्लेक्स करें।
अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है कि घुसते मान सबको मारे दे रहा है, तो वो उसमें नहीं है, वो सीधे सीधे क्राइम है, वो आपने जान ली वो आपको सजा हो। तो एक नॉर्मल रेशनल बीइंग की बात करें, मैं कहानी गलत सुना रहा था, कहानी में था कि अब सारा देश उनको लगा कि हमको ही बनाना चाहिए, जहांगीर बाबा ने आइडिया दिया हमको बनाना चाहिए, पंडित नेहरू ने अपनी सहमति दी ठीक है हमको बनाना चाहिए। होता क्या है कि उस समय जब पंडित नेहरू इस दुनिया में चल बसे तो 1965 का पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, और ये था कि हमको अब आत्मनिर्भर हमको बनाना चाहिए। तो अब जहांगीर बाबा अच्छे एक नामी गिराने साइन, और उन्होंने जब ये सिस्टम शुरू कर दिया तो अमेरिका की कौन सी खुफिया एजेंसी है CIA, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि भारत परमाणु ऊर्जा में तरक्की करे, वो आज भी नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, क्योंकि अगर ये तरक्की कर लेंगे तो कल को हमारे लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका को सबसे पहले किसी भी देश तरक्की करता सबसे पहले तकलीफ एक ही देश को सबसे ज़्यादा होती है, अमेरिका को। और भारत के संबंध उस समय रूस से बहुत अच्छे हो रहे थे, भारत के संबंध रूस से 1960 के दशक में काफ़ी अच्छे हो रहे थे, जो भी प्रधानमंत्री आ रहे थे रूस के साथ अपना जो दोस्ती वो बहुत मजबूत कर रहे थे, उनको लगा। और पाकिस्तान का सपोर्टर हमेशा से USA रहा, उनको लगा पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है और इस एशिया रीजन में भी अशांति कर सकता है, चीन उनका पहले से खतरा था, एक अच्छा दुश्मन था, तो उनको लगा। और जब भगत की मृत्यु हुई, आपको पता है कि ताशकंद के समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, वो एक मिस्ट्री है और सॉल्व नहीं हो पाई, और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु में CIA का भी योगदान, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने भाबा जी को ये कहा कि ठीक है आप इस पर काम करिए और तेजी से विकास करिए, तो CIA को लगा कि अगर कल को ये परमाणु संबंध राष्ट्र हो गए कि हमारे लिए खतरा बन गया। और उसी आसपास में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के आसपास में ही भाबा की मृत्यु हुई, जो बहुत रहस्यमय परिस्थिति, कुछ अपने साइंटिस्ट की मृत्यु हुई है, केवल वो गाड़ी में सोते रह गए, गाड़ी से निकल ही नहीं पाए, और ऐसा खतरनाक पॉइजन दिया जाता था चाहे वो किसी भी तरीके से ताकि वो उबर ना सके। भारत के इतने हर साल कितने साइंटिस्ट इसी में मारे जाते, ये न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं आती। अभी आपने एक मूवी देखी होगी रॉकेट्री थी, वो जो माधवन की मूवी थी, कौन सी थी, आर माधवन की बहुत फेमस मूवी भी आई थी, रॉकेट्री थी ना, नंबी नारायण की, जो नंबी नारायण, उसमें नंबी नारायण ने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश, हालांकि उसमें एग्जैक्टली पोजीशन क्या थी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये टॉप सीक्रेट मिशन होते हैं, अगर आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो आप समझिए कि विश्व कितना प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा देते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने जो 1998 का परमाणु कार्यक्रम चलाया था, बहुत चुपके से प्रोजेक्ट को, जिसमें परमाणु मूवी आई थी ना एक, हमने देखा होगा कितने साइलेंट कितने तरीके से अपने आप को बचाव किया। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि आप तरक्की करें, और तरक्की करेंगे तो जाहिर सी बात कल को उनको मान दिया है। चीन कल तक जो अमेरिका से डरता था, आज चीन सीधे सीधे अमेरिका को मान दिया, इसलिए भारत का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, उसको लग रहा है चीन को काउंटर करना है तो भारत से दोस्ती बनाओ, और भारत को खूब हथियार दो। और चीन अमेरिका पूरी तरीके से चाहता है कि भारत अपने संबंध उससे कम करे और हमसे संबंध ज़्यादा रखे, और अमेरिका का इतिहास आपको पता है, जिसको भी साथ में लेता है उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। इसीलिए भारत सरकार बहुत सोच समझ के फैसले ले रही है, रशिया को भी बैलेंस किया हुआ है और अमेरिका को बैलेंस किया हुआ है। चलो आगे काफी बचा जाएगा, कहानी भूलेगी तो नहीं याद रहेगी नहीं। देश में नाभिकीय विद्युत स्थापित क्षमता, देश में नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2022 तक 6780 मेगावाट थी, 6780 मेगावाट। अगला पॉइंट, भारत ने परमाणु शक्ति के विकास के लिए अप्सरा की स्थापना 1956 में की। अप्सरा है एक परमाणु संयंत्र केंद्र,
जो कि कहाँ पे है, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ है, उसी में एक वो बनाया गया जिसमें बार्क का ही एक पार्ट है, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अप्सरा। देखो नाम हम ना ऐसे ही रखे जाते हैं ताकि लोगों को शक ना हो, जो कोल्ड मिशन होते हैं, जो सीक्रेट कोल्ड मिशन होते हैं, जैसे आपने से ऐसा मूवी देखी होगी, उसका कोल्ड मिशन क्या था, दिल मांगे मोर, यही ना था। आप लोग मूवी देखते नहीं क्या, आप लोग पता नहीं कैसे नहीं देखते, मूवी जरूर देखा करो, अच्छी अच्छी मूवी आपको बहुत चीजें समझाती है पिक्चर बहुत अच्छा। हाँ इसका मतलब थोड़ी कब साउथ वाली देखो, मेरी जंग देखो, ये सब नहीं देखो, मेरी जंग करीब 15-20 बार देखता हूँ, उसमें कुछ सीख नहीं मिलेगी। जो नई नई मूवीज आ रही है आपको सोचने में मजबूर कर देगी, कुछ मूवीज ऐसी है जो आपको ये समझाएगी, जैसे किसी समय जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ये तमाम ऑनलाइन ठगी हो रही, शिकार हो रहे हैं, आपको पता नहीं, हेलो सर मैं फोन पे से बात कर रही हूँ और आपका पैसा 2000 रुपये काट गए, मेरे साथ भी एक बार हुआ, 2000 और जिसका कट्टा वो बताता बहुत अच्छे तो इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर मूवी बनी कि कैसे कैसे वो सोचो कि आपको लगता होगा कि आपको 500 रुपये कैसे भी करके काट लिया, लेकिन अगर वो 1000 आ तो आपको पता है उनकी इनकम कितनी होगी, 2-2, 10-10 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं वो, जो ऑनलाइन ठगी साइबर क्राइम हो रहा है आजकल। अगर आपने 2000 रुपये भी काट लिया और 10 कस्टमर पकड़ लिया तो कितना होगा जरूर, और दिन का पूरा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्नो मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, वो नॉर्मल बच्चे हैं, जैसे जमतारा एक सीरीज बनी होगी आपने देखा होगा, जैसे जमतारा वैसे बच्चे क्या करते हैं, वो ऑनलाइन आपको बैठे रहते हैं। जो मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ था, मैं आपको अपना बता दूं कि मेरा फोन पे में डबल पैसा में रिचार्ज करा था, कट गया, तो मैंने सर्च किया गूगल पे, गूगल पे कस्टमर केयर नंबर, मैंने ये सर्च किया, उसमें ऊपर एक 63 करेंट नंबर है, मैंने कहा यही, मैंने फोन किया। अब मैं पता नहीं किस मूड में हूँ कि मेरे दिमाग में चल रहा है ठीक है, बोले हाँ सर आपको हो जाएगा, परेशान मत होइए आपको वापस हो जाएगा, अब मैं मूड में हूँ, हाँ सर जल्दी करवा दे, 400 कुछ रिचार्ज कटा था मेरा। वो बोले सर आपको एक सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एनी डेस्क, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए। इसको बाद में मैंने सीए दोस्त से पूछा, तो मुझे बोले क्लियर किया कैसे तुम्हारा कटा हुआ है। तो एनी डेस्क एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको एक आपको फोन में इंस्टॉल करेंगे तो एक कोड होगा, कोड अगर आप उसको बता देंगे तो मैं यहाँ से बैठे बैठे आप फोन में जो भी करेंगे वो मैं अपने स्क्रीन पर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आप यहाँ पर बैठे बैठे आपकी फोन हिस्ट्री देख सकता हूँ, आपका व्हाट्सएप चैट सब कुछ देख सकता हूँ, केवल अपनी जगह पर केवल आपको वो 4-6 डिजिट का कोड होगा वो बताना होगा। अब वो एक्सेस कर रहा है, बोल रहा है कि सर ऐसा है कि आपको ये करना पड़ेगा, और 2000 रुपये का उसने अपना बिल जनरेट कर लिया, अब उसने मुझे OTP भेजा, तो मैं समझ रहा हूँ मैं OTP क्यों आ रहा है, जब तक क्योंकि जब आप जो भी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है वो उसको दिख रहा है, OTP है उसको दिख गया भाई 6 डिजिट का, उसको नोट कर लिया और मैंने उसको तुरंत ही हटाया, लेकिन जब तक हटाया वो 2000 रुपये मेरे अब वो हंसने लगा। वो चलिए ठीक है सर, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं समझ गया आपको हो गया, और मैं बगल में तुरंत ही थाने में गया, तो थाने वाला बोला देखो बेटा कट तो गया है, अगर आपको फिर भी शिकायत करनी है तो हजरतगंज थाने में चले जाइए, वहाँ पर डिजिटल सेल है, वही आपका मामला हैंडल करेगी, लेकिन मेरी सलाह है कि मत जाओ, 4 बार दौड़ाएंगे परेशान हो जाए। तो मैंने भी सोच के चलो कोई बात नहीं, कट तो गया है, थोड़े काट ज़्यादा नहीं काट, नहीं मैं इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मेरे अकाउंट में 4000 रुपये और 2 ही काटे थे, मैंने कहा 4 काटे तो महीने खर्च कैसा चलता है, तो 2 ही काटे थे और मैंने किसी को नहीं बताई ये बात, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा तो सारे दोस्त मेरे बहुत मजा लेंगे कि दुनिया को बहुत सिखाते हो आप ना कटवा के आए हो। इस समय कोई भी आपको ये कहे बहुत ज्यादा डिस्टेंस लूट मची हुई समझ, और समझ लो हर महीने को उनका खर्च 5-10 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, और हर व्यक्ति से अगर 500 रुपए भी काटती है तो इतना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते, और सब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं आपके। बहुत मुश्किल है, अभी इतना हमारा बोर्ड टेक्नो से भी नहीं हुआ, वो सरकार कोशिश कर रही है कि हम ऑनलाइन सिस्टम को कैसे भी करते हैं लेकिन वो नहीं पा रही। हाँ कई लोग उसमें लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है साइबर क्राइम से, कैसे बचो, पासवर्ड कैसे बनाना है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि किसी के साथ भी आपको बुलाएंगे कि चलो आपको वो 4 लाख की गाड़ी जीत गए बताइए हम आपको कैसे पूजे करते हैं, फिर बोलेंगे 1750 का सर एक हमारे पास ये ड्राफ्ट उनको भेज दीजिए हम आपके यहाँ ऑनलाइन इसको ट्रांसफर कर देते हैं,
और यही बहुत इस समय साइबर क्राइम सबसे पीक लेवल पर चल रहा है, तो बहुत होशियार होने करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, तीन प्रमुख परमाणु ऊर्जा खपत करने वाले देश कौन कौन से हैं? ठीक है, अमेरिका, चीन और फ्रांस सबसे ज्यादा परमाणु खपत करने वाले देश हैं। अमेरिका, आप मैं जल्दी से लिखा देता हूँ, छूट जाएगा यार ये। अमेरिका, चीन, फ्रांस। फ्रांस। अगला लिखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं जिनका आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें लिखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, हाइड्रोजन और बायोमास, इन सबके बारे में मुझे लिखाना है जितना मैं लिखा सकता हूँ। फिर से लिखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, हाइड्रोजन, बायोमास, ये सभी नवीकरणीय संसाधन और प्रदूषण रहित है। रहित तो सर सहित नहीं, रहित है, मतलब इसमें इनका इस्तेमाल करने से प्रदूषण कम होता है। और भारत सरकार पूरा फोकस कर रही है कि हम ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। अगला पॉइंट लिखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है, यह एक भारत सरकार का शीर्ष मंत्रालय है। अगला पॉइंट लिखिए, 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 175 गीगावाट था, जिसे बढ़ाकर 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 175 गीगावाट था, 175 गीगावाट था, जो कि जिसे बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावाट तक कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है, सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया है। दशक के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्लोज कर दें, सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन
प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन फरवरी 2015 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अब ये लिखिए कि पांच जो शीर्ष देश हैं जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन, अक्षय मतलब जो नहीं खत्म होने वाली ऊर्जा है। अक्षय पात्र किसको बोला जाता था? अक्षय पात्र का नाम सुना है आपने? अक्षय पात्र का नाम किसने नहीं सुना है? हाँ हाँ, क्या था वो? कुछ कहानी सुना, उसमें भोजन कुछ भी बनता था वो खत्म नहीं होता, उसको बोला जाता अक्षय अक्षय पात्र। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए आप क्या कहते हैं सोना ना खरीद लो, क्या कहते हैं अक्षय तृतीया में ही होता ना, सोना खरीद लो चांदी कुछ भी खरीद लो कि जिससे आपकी बढ़ोतरी होगी, खत्म नहीं हो, ऐसे हमारी मान्यता। शीर्ष पांच अच्छे ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश लिखने में कौन कौन से? पहले लिखे चीन, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, इंडिया। पहला जो अच्छा उत्पादन ऊर्जा उत्पादन करने वाले टॉप पांच देश हैं उसमें लिखिए चीन, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, इंडिया। और लिखो अब लिखो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ज्यादा तो नहीं लिखा है ना मैंने, थोड़ा सा और बचा हुआ है तब हो सकता है कर देंगे, बाकी थोड़ा बचा रहेगा फिर से रिवीजन करेंगे। सोलर एनर्जी का लिख लो। भारत सामान्यता उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग,5000 trillion kilowatt hours सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। 5000 trillion kilowatt hours सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत सामान्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 trillion kilowatt hours सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत सरकार की कुछ योजनाएं थी उसमें लिखो इससे रिलेटेड। पहला लिख लीजिए योजना थी जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण राष्ट्रीय सौर मिशन, पोस्टर में लिख लेना 11 जनवरी 2010 पोस्टर में लिख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। कभी कभी सौर ऊर्जा वाले पूछ लेते हैं 11 जनवरी 2010 इसका उद्देश्य लिख लो। इसका उद्देश्य था 2022 के अंत तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य था प्रोडक्शन करना था, हमें प्रोडक्शन का उत्पादन करना 100 गीगावाट का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट कर दिया गया, जिसे बढ़ाकर 2030 तक 280 गीगावाट कर दिया गया। हम एक टारगेट सेट करते हैं, अगर हमारा टारगेट सेट नहीं पूरा हो पाता तो कहते हैं भैया अगले साल में, जैसे इस बार आपका फ्री नहीं हुआ तो आप बोलते हैं कि 2024 से फ्री निकाल लेंगे। अगला थी पीएम कुसुम योजना, अगली योजना कुसुम योजना, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि सौर ऊर्जा से रिलेटेड योजना है तो कभी इसमें पोस्टर में लिख लीजिएगा फरवरी 2019 में आई थी, पोस्टर में लिख लीजिए फरवरी 2019 को, शॉर्ट में इसको लिखाना चाहिए। उद्देश्य लिखिए वर्ष 2022 तक देश में तीन करोड़
वर्ष 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपिंग सेटों को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाए जाने की योजना थी। भारत सरकार आप अगर आप सोलर लगवाते हैं तो उसमें कई तरीके की सब्सिडी देती है। अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो बहुत मात्रा में सब्सिडी देती है। हमारा एक एमए के स्टूडेंट है, एमए फोर्थ सेमेस्टर का, प्रकाश नाम, तो मैंने उससे पूछा कि प्रकाश, तो उसने बताया कि उसके यहाँ चक्की है सर, हमने ये इतना बड़ा प्लांट लगवाया है, सरकार ने उसको छूट दी, करीब 30 लाख का था, उसको 16 लाख का पड़ गया है। तो मैंने उससे पूछा ये बताओ एमए के बाद क्या करोगे, बोलता है बस वही सर चक्की चलाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बोलता सर घर वाले बोल रहे थे आगे पढ़ लिया गया। फिर मैं उससे दोबारा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको डिजर्टेशन बनवाने के लिए समझा रहा था इसको ऐसे बनवाना है, मैंने कहा तुम ये नहीं कर पा रहे तो आगे क्या करोगे, तो बोला सर बस चक्की चलाएंगे। मैं कहा आप बोलने में कोई मतलब तो है नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगला लिखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके बारे में लिखाया भी था आप लोगों को, इसका होते ये इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा है, इसलिए इसको लिखा है क्योंकि बहुत बहुत एक दो ही बड़े संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में, ये सारे संगठन आपको फ्रांस में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, वियना में मिलेंगे, जेनेवा में मिलेंगे, भारत में इसका जो सौर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। इसका उद्देश्य लिखिए क्या उद्देश्य था, जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को कम कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, भारत में 4 राज्य कौन है जिसमें सौर ऊर्जा का नंबर अच्छा है, जिनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, पहला है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक लाइन में लिख दो सीरियल से है ऐसा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। और विश्व में लिख लीजिए, विश्व में चीन, यूएसए और जापान, और पांचवे पर है इंडिया, पहला दूसरा तीसरा है चीन, अमेरिका, जापान और पांचवें पर है अमेरिका। अब अगला टॉपिक है पवन ऊर्जा, कहो तो लिखा दे, 5 मिनट है, लिखा दे बताओ, जैसा बताओ बहुत हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जापान, हाँ क्या हो गया जापान हो गया, जापान कितने नंबर पे, चीन, अमेरिका, जापान और भारत है 5वें नंबर, पाकिस्तान हम देंगे ना उनको, बेचेंगे ना सौर ऊर्जा, अभी पाकिस्तान का मैटर खतरनाक चल रहा है, उधर से एक लोग जा रहा है, इधर से एक आदमी जा रहा है, हाँ ट्रांसफर हो गया मामला, सिपाही एंजॉय, हाँ सिपाही एंजॉय, हाँ अरे ठीक है, प्यार सीमाओं को नहीं देखता, चौथा फ्रांस नहीं है, पांचवा इंडिया है ना, मैंने पांचवा लिखा है ना, चौथा नहीं, कोई होगा लेकिन मैंने जो मुझे 3 ही मैंने नोट किया, अब भारत 5वें पर इसलिए भारत इसलिए आपको लिखा दिया, सब लिखना जरूरी नहीं होता, केवल दिमाग में पता होना चाहिए ये पॉइंट है, ताकि कल को आप आंसर फ्रेम करें या पीसीएस में वन लाइनर बहुत पूछता है, तो चूंकि आपका जो कोचिंग है यूपीएससी प्लस पीसीएस है, तो जो मैं बोलता हूँ यूपीएससी के लिए बोलता हूँ, जो लिखाता हूँ पीसीएस के लिए, मैं दोनों गलत करता हूँ, जो पीसीएस में वन लाइनर ज्यादा पूछते हैं ना, यूपीएससी में आपके दिमाग के अंदर पूछते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है, तो पीसीएस यूपीएससी में बेसिक डिफरेंस यही है,
पीछे से आपके दिमाग का टेस्ट करता है फ्री निकालेंगे कितना रटे हुए हो, कितना पता है आपको। मेरे साथ में अभी एक लड़का हुआ नायब तहसीलदार, मेरा बैचमेट भी है नायब तहसीलदार, उसको पढ़ा रटे बदल गया, तो उसको लगा कि अब उसको इज्जत चाहिए। मैंने कहा मैं भी प्रोफेसर हूँ, कुछ ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, रेट पर भी मेरा ज़्यादा है तुमसे, तो फिर वो चुप हो गया। हालांकि मेरा इंटेंशन उसको डिमीन करना नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों में जब कभी आप कभी कुछ जीवन बन जाएगी तो दोस्तों में जैसे दोस्त हैं वैसे ही रहने थे। अगर दोस्त बदल गया तो फिर समझ लो फिर गाना भी नहीं चलता है उधर, अब तो गाना भी गा लेते हो आप लोग, कौन सा मेरा मेरी कौन सा मेरा इनका काम देखिए कौन सा गाना, ऐसा कुछ था ना कोई गाना, पहले बन जाओ फिर गाना।